हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर हम बात करेंगे UPPCL री एग्ज़ाम कंप्यूटर स्पेशल टॉप के 40 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को यहाँ पर प्रेस कर लें लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर भी हूँ, तो मेरे द्वारा बनाए गए कोर्सों को देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। उसके बाद में यहाँ पर आप मेरा नाम सर्च करेंगे अभिनव सिंह, और मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं, जो कि आपके UP SSSC वीडियो युवा कल्याण UPPCL री एग्ज़ाम UPPSC RO व अन्य सभी एग्जाम के लिए मैंने यहाँ पर लगातार अच्छे कोर्स दिए हैं, जो कि जनरल हिंदी का कोर्स, जनरल स्टडी का कोर्स, साइंस का कोर्स, कंप्यूटर का कोर्स, करंट अफेयर का कोर्स व मैथ्स के कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और वहाँ पर मुझे फॉलो करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे टॉप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके UPPSL एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, साथ ही साथ आपके अन्य सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। लिनक्स क्या है? तो ये आपका एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। दोस्तों, लिनक्स एक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका विकास नेटवर्क में प्रयोग के लिए किया जाता है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरा कि CAD का यहाँ पर तात्पर्य क्या है। इसे बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन एक सॉफ्टवेयर है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये क्या है? शेयरवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है? आंसर नंबर आपका रहेगा बी, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपका MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और MS एक्सेस जैसे अन्य कई प्रोग्राम इसमें जो है निहित रहते हैं। तो आंसर नंबर आपका रहेगा बी, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर आपका है फोर, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो आपके सामने यहाँ पर चार आंसर लिखे हुए हैं, आंसर नंबर आपका रहेगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका है फाइव, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, आपके सामने यहाँ पर चार आंसर लिखे हुए हैं, और इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा दोस्तों, यानी कि इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर आपका रहेगा राइट आंसर। तो दोस्तों, आपका जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ये इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर जो किसी एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा तैयार किया जाता है, इसी कारण इसे शेयरवेयर या फ्रीवेयर भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है सिक्स, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, इसे क्या बोलते हैं? चार आपके सामने आंसर हैं, आंसर नंबर आपका रहेगा सी, यानी कि बग कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो अशुद्धि होता है उसको कहते हैं बग, और उसको जब सही करते हैं तो उसे बोलते हैं डीबगिंग। क्वेश्चन नंबर सेवन, असेंबलर का कार्य यहाँ पर क्या है? आपके सामने चार आंसर हैं, यानी कि असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। दोस्तों, असेंबलर एक आपका जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो कि निम्न स्तर यानी कि लो लेवल असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है एट, यानी कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग आसान हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है? आपके सामने चार आंसर हैं, पैच, यूटिलिटी, रेक्टिफिकेशन या इनमें से कोई नहीं, आंसर नंबर ए यानी कि पैच। तो दोस्तों, यहाँ पर सॉफ्टवेयर में पाए गए त्रुटियों को बग कहते हैं। त्रुटियों को खोजना या उन्हें ठीक करना उसे बोलते हैं डीबग। त्रुटियों को छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से ठीक किया जाता है उसे पैच कहते हैं। तो आपका आंसर रहेगा ए यानी कि पैच। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, बैकअप कहलाता है, आपके सामने चार आंसर लिखे हुए हैं, और यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना। क्वेश्चन नंबर आपका है अगला, यानी कि 11, क्या क्वेश्चन? अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है उसे बोलते क्या हैं? तो आपका जो आंसर रहेगा, यानी किसी उसे प्रोग्राम कहते हैं।
प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर अनुदेशों एवं निर्देशों का समूह है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर आपका है अगला, उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो आपके सामने यहाँ पर चार आंसर लिखे हुए हैं और इसका जो आंसर आपका रहेगा यानी कि बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। क्वेश्चन नंबर आपका है 13, कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं, यह कौन यहाँ पर सुनिश्चित करता है? तो चार आंसर यहाँ पर आपके लिखे हुए यानी कि बूटिंग द्वारा ऐसा जो है पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 14, दो या दो से अधिक प्रोग्रामों के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसको कहते क्या हैं? तो इसे बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर द्वारा एक साथ कई कार्य किए जाते हैं और इसमें प्रोसेसर अपना कुछ भाग सभी प्रोग्रामों को देता है। आगे यहाँ पर हम बात कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 15, यानी कि एमएस वर्ड यहाँ पर किसका एग्जाम्पल है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यह आपका एग्जाम्पल है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर आपका है 16 कि ग्रुप वेयर होता है, ये क्या होता है? तो ये आपका एक क्या है, ये आपका एक सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर आपका है 17, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, आपके सामने चार आंसर लिखे हुए हैं, तो सिंपल सा आंसर आपका रहेगा यानी कि टाटा, यानी कि TCS। आगे हम बात करेंगे GIF का यहाँ पर पूरा नाम क्या है, तो इसके चार आंसर यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं और यहाँ पर आपका आंसर रहेगा यानी कि ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, आंसर नंबर आपका सी रहेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 19, यानी कि सी भाषा आपका कौन सा भाषा है? निम्न स्तरीय है, उच्च स्तरीय है, मशीनी भाषा या संयोजन स्तर की भाषा है? तो सिंपल से आपका है उच्च स्तरीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर आपका है 20, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? आपके सामने यहाँ पर चार आंसर लिखे हुए हैं, आंसर नंबर आपका रहेगा सी यानी कि सांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 21, इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। तो आपके सामने यहाँ पर चार आंसर हैं, आंसर नंबर आपका ए यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर आपका है 22, कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शंस के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है? तो आपके सामने चार आंसर हैं, आंसर नंबर आपका रहेगा ए यानी कि कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर आपका है 23, कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है, तो उसे बोलते क्या है? उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 24, जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे कहते हैं, उसे बोलते क्या हैं? तो उसे बोलते हैं यूजर फ्रेंडली, आंसर नंबर आपका ए रहेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 25, क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या है कि वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है कहलाता है, तो उसे बोलते क्या हैं? आपके सामने चार आंसर हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या मदरबोर्ड। तो आंसर नंबर आपका रहेगा बी यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 26, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है, ठीक है? आपके सामने चार आंसर लिखे हैं यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, आंसर नंबर आपका रहेगा डी इसका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 27, दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर आपका है 28, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को कहते हैं, तो इसे बोलते क्या? इसे बोलते हैं प्रोग्राम कोड, आंसर नंबर आपका बी रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 29, प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है, क्या बनता है? चार आंसर आपके लिखे हुए यानी कि एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, आंसर नंबर आपका सी रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, आपके सामने चार आंसर हैं, आंसर नंबर डी यानी कि इंटरप्रेटर। क्वेश्चन नंबर आपका है 31,
यानी कि POST पोस्ट का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर आपके पांच आंसर लिखे हुए हैं इसके, और इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो सिंपल सा आपको हमने बता रखा है यानी कि आपका एक ओपन सोर्स है, आंसर नंबर आपका रहेगा डी यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर आपका है 33, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, इसे बोलते क्या है, आंसर नंबर डी पैरेलल प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर आपका है 34, जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो, आपके सामने यहाँ पर चार आंसर लिखे हुए हैं, आंसर नंबर आपका रहेगा ए यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 35, कंपाइलर है, आपके सामने यहाँ पर चार आंसर लिखे हुए हैं, कंपाइलर क्या है, यानी कि ऐसा एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है आपका, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है, तो चार आंसर आपके लिखे हुए हैं, आंसर नंबर बी यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर आपका है 37, क्या लिखा हुआ है कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, उसे बोलते क्या हैं, चार आंसर आपके हैं, इसे बोलते ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिस्क डी फ्रेगमेंटर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है और कहलाती है, उसे बोलते क्या हैं, उसे बोलते हैं मशीनी भाषा कहते हैं। तो दोस्तों ये आपके 38 क्वेश्चन, इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको इसके पहले जो वीडियो दिया था तो उसमें जो क्वेश्चन आपके बचे थे उनको यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है, तो 38 क्वेश्चन के बाद में यहाँ पर आपको कुछ और क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो उनको भी यहाँ पर आपको अच्छे से देख लेना है, तो उनको यहाँ पर मैं ऐड करूँगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन और पेपर में पूछे जा सकते हैं और इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका है 27, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, आपके सामने चार आंसर हैं, यहाँ पर इसका आंसर रहेगा यानी कि इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा आपको मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि 1939 में जॉन एटनासॉफ व क्लिफर्ड बेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया जिसे एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर यानी कि ABC का नाम दिया गया। 1946 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक JP अकर्ट और जॉन मुचली ने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया जिसका नाम था ENIAC। आगे यहाँ पर हम बात कर लेंगे, भारत में सुपर यानी कि परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया, चार आंसर हैं, आंसर नंबर आपका रहेगा CDAC। यहाँ पर क्या है कि भारत में सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे द्वारा किया गया है। आगे हम बात करेंगे, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था, आपके सामने चार आंसर हैं, आंसर नंबर आपका रहेगा ए यानी कि नाल बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 30, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था, चार आंसर आपके लिखे हुए हैं, आंसर नंबर आपका सी यानी कि UNIVAC। आगे हम बात करेंगे, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है, आपके सामने चार आंसर हैं, आंसर नंबर आपका रहेगा बी यानी कि परम। क्वेश्चन नंबर आपका है 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, यहाँ पर आपके चार आंसर हैं, तो आपका जो सही है ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर आपके सही है, इसका सी वाला हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 33, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था, तो आपके सामने चार आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं और इसका आंसर आपका रहेगा यानी कि वाल्व। क्वेश्चन नंबर आपका है 34, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं, ये कहलाते क्या हैं, इन्हें बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा सबसे तेज व सबसे महंगा कंप्यूटर है, सिंपल सब करेगा सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर आपका है 36, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक
उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं? आपके सामने चार आंसर लिखे हुए, आंसर नंबर सी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके टॉप के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए।